न्यूज 18 पर अमित शाह के इंटरव्यू पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरीके से हो जाएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कालखंड आया, आज हम सब लोग बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के अंदर नक्सलवाद जो देश के 28 राज्यों में पूरी तरीके से 28 राज्यों को जो प्रभावित कर रहा था, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा था, उस नक्सलवाद के खिलाफ मोदी जी की सरकार ने जो काम किया उसका परिणाम है कि नक्सलवाद आज भारत में अंतिम सांसें ले रहा है। और न्यूज 18 पर गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू को लेकर अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये आपको सुनाते हैं। को सबसे ज्यादा सुरक्षित बीजेपी ने किया, रिजांगला जैसा मेमोरियल जो हमारे जवानों को याद दिलाता था उनकी वीरता का, शौर्य का, उस मेमोरियल को चीन ने छीन लिया। सरकार चुप है। चीन और पाकिस्तान मिलकर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन और रोड बना रहे हैं, उस पर भारत सरकार चुप है। आए दिन पड़ोसी देश हमारे प्रदेश और गांव के कस्बों के नाम बदल रहा है, उसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के यूपी पर दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पलटवार किया है। भारत की लोकसभा का गृह मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के जो भी शीर्षस्थ नेता हैं, उनको कम से कम नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। समाज में विषभमन करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, इसीलिए जनता इनसे नाराज है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी बनाएंगे। यूपी में 80 सीट जीतने के अमित शाह के दावे को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि गृह मंत्री जो कहते हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। अमित शाह जी कोई चीज ऐसी नहीं बोलते कि ख्यालों में हवा में बोले। तो अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा सीट जीतेंगे तो निश्चित मान लो जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत के गृह मंत्री की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 4 जून को पूरा देश, पूरी दुनिया एक आवाज़ सुनेगी और वो आवाज़ होगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ।